नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि अगस्त माह का पहला सप्ताह आपके जीवन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण दिन शामिल होंगे। आपके जीवन में जो घटनाएँ कभी नहीं हुई थी दोस्तों, यह पहला सप्ताह में ही आपके जीवनकाल में वो बड़ी घटनाएँ होने वाली है। जो घटना आपके जुलाई के महीने में नहीं हुई, जो घटना आपके जून के भी महीने में पूरे महीने में नहीं हुई दोस्तों, यह अगस्त माह के पहले सप्ताह में वह घटना होने वाले हैं। क्यों दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह पहले सप्ताह में ग्रहों की बहुत ही अनोखी स्थिति बनने वाली है, जो कि आप सभी के जीवनकाल में तरह तरह की घटनाएँ करने वाले हैं, जिनमें आपको ऐसा लाभ मिलेगा, जिनमें आपको ऐसी वृद्धि देखने को मिलेंगे कि दोस्तों सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हम दावे के साथ कहते हैं कि यह घटना 110% होकर ही रहेगा। जी दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सप्ताह में बुध का गोचर होने वाला है और दोस्तों यह पहला सप्ताह में शनि और गुरु का भी असर रहने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में चौंका देने वाली घटनाएं सामने आने वाली है। जी दोस्तों, इनमें आपको सावधान भी रहना होगा, इनमें आपको खुशखबरी मिलेंगी, इनमें आपको बहुत सारी बदलाव भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ऐसे में आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यश में आपकी एक असावधानी आपको अपने लाभ से वंचित कर सकती है और यश में आपकी एक छोटी सी सावधानी आपके जीवन काल में रातों रात आपके जीवन को भी बदल सकती है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो ग्रह गोचर पर निर्मित आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। इनमें हम बात करने वाले कि पहले सप्ताह में जो ग्रहों की चाल होगी, इनमें आपको कौन सी विशेष सावधानियां रखनी होंगी, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन में आपको वृद्धि देखने को मिलेंगी, आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर, प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन सी बड़ी रोचक बदलाव होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भगवान भोलेनाथ शनिदेव के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल में आपके सुख शांति बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन्हें ध्यान से सुनिएगा। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि प्रभु से एक भक्त ने यह बात पूछा कि हम लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर कीर्तन सत्संग क्यों करते हैं, जबकि ये तो बिना हाथ ऊपर करे भी किया जा सकता है। प्रभु ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वो अपनी माँ को देखकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मचलने लगता है, तड़पने लगता है। वो ये कहना चाहता है कि मुझे अपनी गोद में उठा लो और अपने सीने से लगा लो। ठीक वैसे ही जब एक भक्त हाथ उठाकर सत्संग करता है तो ये कहना चाहता है कि हे गोविंद, हे करुणा निदान, हे गोपाल, हे मेरे नाथ, आप मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस भवसागर से, इस दुख रूपी भौतिक संसार से बाहर निकालकर अपने चरणों में लगा लो, मेरे जीवन की नैया को पार लगा दो। प्रभु मुझे इन 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति दिला दीजिए, हे मेरे गोविंद। तो दोस्तों यह बात सुनकर उनका भक्त बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उन्हें इस बात का एहसास हुआ। तो दोस्तों अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों विषय के साथ बात करते हैं कि यह अगस्त माह के पहले सप्ते में जो ग्रहों की अनोखी चाल हुई है, गुरु और शनि की जो दशा है, जो बुध का गोचर है आप शिव की जुनकाल में, आपके लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर में प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े सुधार होंगे, कौन सी विशेष साधनियां आपको रखने होंगे, शायद दोस्तों यह सप्ताह में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में आपके व्यक्तित्व और वाणी द्वारा लोग आपसे प्रभावित होंगे, सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान भी यश में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से किसी मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी यशमय होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें यश में आपकी सावधानी क्या होगी। दोस्तों कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा आत्म केंद्रित होने से या फिर ईगो की भावना रखने से आपसे संबंधों में कुछ तनाव भी आ सकते हैं। दोस्तों किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी कोई भी योजना शेयर ना करें, अन्यथा धोखाधड़ी भी हो सकती है।
दोस्तों इन सब चीज़ों से यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। उसके उपरांत दोस्तों यश में जो जिम्मेदारी आपने खुद को कर ली थी, दोस्तों आपको बता दें कि उसी जिम्मेदारी संबंधित आपका उत्साह यश में कम होगा और काम संबंधित रुचि भी कम होने की वजह से काम की क्लैरिटी परिष्कार स्वर दिख सकता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों पर यश में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिवार के लोगों के प्रति आपकी नाराजगी भी बढ़ेगी। जब तक बात को आप खुलकर नहीं बोल पाएंगे तब तक लोगों को आपके विचार समझ पाना कठिन हो सकता है। तो दोस्तों सभी के साथ खुलकर बोलें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यशमय भाग्य उन्नति के शुभ अवसर भी बन रहे हैं। दोस्तों कुछ समय से चल रही चिंताओं से आपको राहत मिलेगी। परिवार के लोगों की हर छोटी बड़ी बातों को जो है जरूरत पूरा करने में आपको आनंद प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में कुछ विरोधी भी आपके ऊपर हावी होंगे परंतु आपका अहित यश में नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि जल्दबाजी और अति उत्साह में बना बनाया खेल भी बिगड़ सकता है। यश में संतान का अड़ियल तथा जिद्दी रवैया भी आपको परेशान कर डालेगा। धैर्य और संयम से काम लें, सब काम सही होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि आपके आसपास के लोगों पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए कठिन होगा, जिसकी वजह से आप हर एक काम खुद से ही पूरा करके ही कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार के लोगों द्वारा मिल रही आलोचना की वजह से जो है उनके प्रति कटुता आपकी बढ़ सकती है। यदि आपको अपनी निर्लय क्षमता पर विश्वास है तो दोस्तों आपको अपने निर्लय पर डटे रहना ही उचित होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि परिवार में सुख शांति आपके लिए प्राथमिकता भी रहेगी। दोस्तों कामकाज व फिर परिवार में बेहतरीन तालमेल भी बना रहेगा। विशेष सामाजिक व्यक्ति का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों तथा युवा अपने लक्ष्य के प्रति इसमें आकर्षित भी रहेंगे। इसके बाद दोस्तों यशमय वाहन या फिर घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा भी बढ़ेगा। अपने बजट का भी ध्यान अवश्य रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की वजह से कोई महान हानि होने की शंका भी लग रही है। दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों अथवा पेपर्स बहुत अधिक संभाल कर रखें, ये आपके लिए यशमय बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय एक से अधिक बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने की वजह से और परिस्थिति पूरी तरह आपके खिलाफ होने की वजह से आपके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें प्रैक्टिकल विचार रखकर आप जो है काम करने की आवश्यकता आपको होगी। भावनाओं को यशमय आप जो है अधिक महत्व ना दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए लाभदायक समय होगा। किसी भी कार्य तथा मेहनत के उचित परिणाम भी यशमय आपको हासिल होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहा है तो दोस्तों उसे सुलझाने का उचित समय है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा व फिर करियर से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच विचार कर निर्णय लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार की जो है भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दूसरों की बातों में आने से आपको परेशानी आ सकती है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना इसमें आपकी जिम्मेदारी होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यापार संबंधी बातों में यश में आपको फायदा नजर आएगा। दोस्तों यश में खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयत्न आपके द्वारा भी किए जाएंगे, जिसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी यश में प्राप्त होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में यश में आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शन करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी कोई बड़ा ऑर्डर यश में आपको मिल सकता है। पेमेंट मिलने संबंधी कार्य भी इसमें सफल नहीं होंगे। धैर्य तथा संयम बनाकर रखें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि काम काज के लिए लिए गए ठोस निर्णय व फिर महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए कामयाब रहेंगे। सिर्फ अधिक मेहनत व फिर परिश्रम करने की जरूरत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि कार्य विस्तार संबंधी योजनाओं पर एक बार पुनर्वित विचार करना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों यश में पैसे लगाते समय बजट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि अभी व्यवसायिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का प्रयत्न भी आप ना करें, क्योंकि दोस्तों यश में रुके हुए पेमेंट का कलेक्ट करने का तथा आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने का समय होगा। दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को फोन द्वारा
कई उचित जो है महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकते हैं जिससे आपका मन यश में गदगद रहने वाले हैं। और इसको कहना दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी समय व्यतीत होगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से भी चहल पहल भरा माहौल रहने वाले हैं। इसको कहना दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में किसी बात को लेकर गलतफहमी भी हो सकती है। प्रेम संबंध भी यश में मर्यादित रखें ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसको बनाओ दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कभी कभी कमजोरी और थकान की स्थिति भी यश में रह सकती है। और इसको बनाओ दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। एलर्जी अथवा मौसमी बीमारियों के संकेत भी यश में मिल रहे हैं। भाई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि यह सप्ताह में आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। जी दोस्तों यह सप्ताह में प्रतिदिन प्रातः पूजा पाठ करके घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर घर के दोनों कोनों में डाल दें। तांबे के पात्र से सूर्य को भी जल चढ़ाएं। दोस्तों यह उपाय धन संबंधी परेशानियों को दूर करता है। तो दोस्तों यह सप्ताह में आप इन्हें जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह सप्ताह में ये करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।